एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतु राज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जरूरत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। क्या बात है दादा की। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल 18 वर्ष से चला आ रहा एक निरंतर काव्यानुष्ठान है। सतमौला कवियों की चौपाल में आप खट्टी मीठी गोलियों के आनंद के साथ कविताओं का भी आनंद लेते हैं। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे अंतर्राष्ट्रीय अनेक कवियों के साथ साथ एक भारत का सबसे बड़ा, भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा साहित्य और संस्कृति कला का एक बहुत बड़ा हमारा संगठन होता है संस्कार भारती, उसके हमारे पुरोधा हमारे बीच में उपस्थित हैं। भारत के सबसे बड़े कला और साहित्य को समर्पित एक संगठन हमारा होता है संस्कार भारती, उसके पुरोधा हमारे संगठन महामंत्री माननीय अभिजीत दा हमारे बीच में है। मैं उनके समक्ष उनकी उपस्थिति में आज मैं जिनको मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ इस सतमौला कवियों की चौपाल में उनके साथ दे रहे हैं श्री अशोक शरण जी। बहुत ही बड़े फिल्मकार मित्र हैं और फिल्मकार मित्र के साथ साथ आप फिल्म क्रिटिक भी हैं, आप अनेक फिल्म की अनेक समीक्षक संस्थाओं के आप सदस्य भी हैं। तो आज मैं जिनको सबसे पहले मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, देश के प्रखर ओज के हस्ताक्षर विनय विनर्म जी के लिए मैं दो पंक्ति देना चाहता हूँ।
जागो जागो सोने वालों तुम्हें जगाता फिरता हूँ, जागो जागो सोने वालों तुम्हें जगाता फिरता हूँ, लुटने पिटने से बच जाओ बस यही शोर मचाता फिरता हूँ। विनय विनर्म जी प्रणाम करता हूँ, भारतवर्ष को प्रणाम करता हूँ, उन सूर वीरों को जिन्होंने राष्ट्र रक्षा यज्ञ में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, और गर्व करता हूँ इस विषय पे कि हम उनके वंशज हैं। जी कदाचित आप सबको भी गर्व होता होगा कि हम उनके वंशज हैं, हम एक भारतीय हैं, भारत माता से प्रेम करते हैं, हमारा ये दायित्व भी है कि माँ की सुरक्षा भी की जाए। अभी वीरांगना लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, कल हमने वीरांगना लक्ष्मीबाई को श्रद्धा सुमन समर्पित किए। ये सब वीर हमसे चाहते क्या थे, उसी पर मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, सुनिएगा। कि वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा। क्या बात, वाह 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 वाह। वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, मिटा सर्वस्व है अनजान उनको है नमन मेरा, उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है। क्या बात, उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है, बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान उनको है नमन मेरा, बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान उनको है नमन मेरा। आप सबने वो चित्र भी देखा है, महारानी लक्ष्मीबाई पीठ पे बालक को बांध कर युद्ध, पुत्र को बांध करके युद्ध लड़ती थी। कैसे थे वो, क्या संदेश हमें दे गए कि सदा माँ भारती की शान में आगे ही बढ़ते थे। क्या बात, तोड़कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग गढ़ते थे, समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं उनको, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते थे। क्या बात, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते थे। और वो मंत्र क्या है, हम उन्हें कितना याद करते हैं ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मंत्र हमें दिया, उन्होंने कहा बेटा हम तुम हमें याद करो अथवा न करो, तुम हमारे लिए रो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुमा है, राष्ट्र रक्षा है तो युद्ध लड़ा है, लेकिन एक मंत्र याद रखना कि बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है। क्या बात, आज भारत सरकार वही तो चाह रही है कि भारत का हर एक बच्चा सैनिक बन जाए, सैनिक बन, सैनिक युद्ध में कौशल हो प्राप्त करे, उसे पता हो कि आत्मरक्षा कैसे की जाती है, लेकिन हम ना समझ रह करके पत्थर बरसाते हैं, आग लगाते हैं। लेकिन याद कीजिए उन वीरों को, आप चाहे महाराणी लक्ष्मीबाई का संदेश माने, समस्त क्रांति वीरों का संदेश माने, वो क्या कहें कि चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना, चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना, तोड़ कर वक्षयरियों का है वीरों गम नहीं करना, आँच आए न ध्वज कोले सपथ पथ पर खड़े होकर, किसी भी हाल में अस्कों से आंखें नम नहीं करना, किसी भी हाल में अस्कों से आंखें नम नहीं। मैं इस सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं, उन क्रांति वीरों की चिट्ठी जो हम सब के लिए है, या उनके लिए भी है जो भ्रमित हुए हैं, उन युवाओं के लिए भी है। हम अक्सर बलिदान दिवस मनाते हैं गणेश जी जी, जन्म दिवस मनाते हैं उन क्रांति वीरों की, दो मिनट के लिए मौन रख लेते हैं, मुंह लटका लेते हैं, कदाचित तो इससे प्रसन्न नहीं होते, उनकी प्रसन्नता तो बस इसमें है कि जो मातृभूमि हमने तुम्हें सौंपा है उसे संभाल, बिल्कुल बिल्कुल उसकी रक्षा, उसे केवल संभाल लेना बेटा। तब मैं कहना चाहता हूं, उनका उनकी एक चिट्ठी पढ़ता हूं जी, हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे खोना नहीं। वाह, 130 करोड़ भारतीयों के लिए चिट्ठी, कि हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे खोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं, हम सौंप कर तुमको धरोहर कि वह बीज जो विष वृक्ष बन कर इस धरा पर छा गया, वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पर छा गया,
जो मातृभूमि पर गुलामी वाला दाग लगा गया, जो मातृभूमि पर गुलामी वाला दाग लगा गया, तो फिर से कभी जयचंद बनकर तुम उसे बोना नहीं। क्या बात, बहुत बढ़िया। फिर से कभी जयचंद बनकर तुम उसे बोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना। क्या बात, बहुत अच्छे। सौंप कर तुमको धरोहर। ये थे विनर विनरम जी। अब विनय विनरम जी के बाद अगर अगर एक नई पिच का मैं अगर बिछाने का काम करूं और रस परिवर्तन करूं तो सबसे अच्छा जो नाम मुझे उपयुक्त लगता है वो होते हैं हास्य के जादूगर और बहुत ही श्रेष्ठ कवि और जो राष्ट्र कवि संगम दिल्ली के आप संयोजक भी होते हैं, उनका नाम होता है रसिक गुप्ता। रसिक गुप्ता एक नवांकुर बच्चों के एक तरह से काव्य गुरु कहलाते हैं, लेकिन कई बार होता है गुरु गुरु रह गया, चेला शक्कर हो गया, कुछ ऐसा अटल जी बोला करते थे, आज चेले बड़े महारथी हो गए हैं। ऐसे चेलों ऐसे चेलों की व्यथा कथा गुरु के साथ संबंध हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं देश के सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर, हास्य हस्ताक्षर रसिक गुप्ता जी। रसिक गुप्ता जी के लिए मैं एक छोटा सा राजेंद्र राजा जी का ही मुझे एक छोटा सा दृष्टांत कवित मुझे याद आता है कि एक गांव को लूटने के बाद डाकुओं का दल वापस जाने लगा, एक गांव को लूटने के बाद डाकुओं का दल वापस जाने लगा, जाते जाते यूं समझाने लगा कि अपने घर की बहू बेटियों को कहीं भीतर छुपाइए। इतने में एक गांव के नौजवान से नारा आ गया, कहते हजूर माई बाप सब कुछ तो आपने लूट लिया है, अब क्या हो सकता है। उसने कहा अरे बेवकूफ, हम तो जा रहे हैं, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। रसिक जी, एक समस्या अभी इन दिनों बरसात के दिनों में आ जाती है कि डेंगू का बड़ा भारी प्रकोप पूरे देश में चलता है, एक समस्या है। मैंने उस समस्या का समाधान देने की कोशिश की। एक लड़की की छोटी होती स्कर्ट को देख के मैंने कहा मैडम इससे तो भारतीय सभ्यता पानी पानी होती है, वो बोली लेकिन संकट के समय भागने में आसानी होती है। मैंने कहा मैडम लेकिन आपका ये फैशन मंचलों के मन में विकार ला सकता है और इस मिनी स्कर्ट के कारण ही संकट कभी भी आ सकता है। वो बोली ये मिनी स्कर्ट विदेशों से आई है, बड़ी अनमोल है और इस छोटी होती स्कर्ट में कवियों और नेताओं का बहुत बड़ा रोल है। जिस रफ्तार से कवियों और नेताओं का कुर्ता नीचे की ओर बढ़ रहा है उसी रफ्तार से स्कर्ट का साइज ऊपर की ओर चढ़ रहा है। बहुत अच्छा व्यंग है। स्कूलों में स्कर्ट पहनना अनिवार्यता है, मजबूरी है और कपड़े की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए यह बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। जरूरी है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा लेकिन मेरी प्यारी बहनों कम से कम घर आकर तो सलवार कुर्ता पहनो। सलवार कुर्ता पहनकर जब बाजार जाओगी तो मंचलों की नजरों में भी नहीं आओगी और परिवार का कोई सदस्य भी तुम्हें सभ्यता के नाम पर नहीं डांटेगा और जब काटने की जगह ही नहीं होगी तो ये डेंगू का मच्छर भी कहां काटेगा। इसलिए भारतीयता को अपनाओ, हिंदुत्व को अपनाओ, डेंगू को दूर भगाओ। कविता खत्म हो गई, ताड़ी बजाओ। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं वह हैं देश के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रसिद्ध ओज के हस्ताक्षर जिनका नाम होता है डॉक्टर भुवनेश सिंघल। डॉक्टर भुवनेश सिंघल एक सुप्रसिद्ध नाम है, आप समाज सेवा में भी आप अग्रणी रहते हैं और आप अनेक टीवी चैनल पर चाहे वो जी न्यूज़ का कवि युद्ध हो, चाहे वो न्यूज़ 24 हो, चाहे आज तक पे हो, सब में आप अपनी साहित्यिक यात्रा कविता के माध्यम से आप कर चुके हैं और आप इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती जो इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती अखिल भारतीय साहित्य परिषद के दिल्ली की अनुषांगिक इकाई है, आप उसके हमारे महामंत्री भी होते हैं। तो मैं दो पंक्तियों के साथ मैं अपने लाडले भाई डॉक्टर भुवनेश सिंघल जी को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे,
अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे, गोली के लायक थे। भुवनेश सिंघल। नमस्कार मित्रों, मैं आपका भुवनेश सिंघल अपनी कविता के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। देश में जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं, वर्तमान परिदृश्य आप देख रहे हैं, तो उस पर एक चंद पंक्तियाँ कहने का स्वागत, प्रयास स्वागत। करता हूँ कि देश जब जब भी जला है, वर्तमान में देख रहे हैं क्या परिस्थितियाँ हैं, देश जब जब भी जला है, देश जब जब भी जला है, सांप घर में ही पला है। बहुत अच्छे। देश जब जब भी जला है, सांप घर में ही पला है, और विषधरों के पालने से कब हुआ किसका भला है? और पाप की पगडंडियों से, इशारा देता हूं, शायद बात कहीं पहुंच जाए कि पाप की पगडंडियों से पुण्य की मंजिल चला है। पाप की पगडंडियों से पुण्य की मंजिल चला है, और वो भरी थाली गिराता और मानता उसमें कला है। और जब किया उस पर भरोसा, जब किया उस पर भरोसा देश तब तब ही छला है। और दूध पानी दांत विष भी वोट की खातिर मिला है। और अंतिम देखिए इसकी लाइन के, अब बने अफजल न कोई घोंट ना उसका गला है। और एक रिश्तों पर और एक देखिए चंद पंक्तियां कहता हूं कि पक गए जख्मों के टांके। रिश्तों के ऊपर कहता हूं कि कई बार रिश्तों में क्या परिस्थितियां आती हैं, पक गए जख्मों के टांके, छांव में अपनों की आके। बहुत अच्छा है। पक गए जख्मों के टांके, छांव में अपनों की आके, और प्यार की बारिश सबरसा। प्यार की शेर देखिएगा कहां से कहां जाएगा कि प्यार की बारिश सबरसा ले गया सब कुछ बहा के। प्यार की बारिश सा बरसा ले गया सब कुछ बहा के, और रात भर लूटा मुझे था भोर के सपने दिखा के। रात भर लूटा मुझे था भोर के सपने दिखा के और फांसता मकड़ी की मानिंद प्यार का जाला बना के। और पंख छोटे से मिले हैं हौसले पर हैं बला के। और अंतिम कहता हूं कि दूर सुख से हो गए हम स्वर्ग के सपने सजा के। सतमौला कवियों की चौपाल में ये थे हमारे बीच में सुप्रसिद्ध ओज के हस्ताक्षर डॉक्टर भुवनेश सिंघल। बहुत बहुत आपको साधुवाद, आपकी श्रेष्ठ रचनाएं हमारे बीच में प्रस्तुत हो सकी। तो अब मैं जिस एक कवित्री को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, और वैसे तो वो हर विधा में पढ़ती हैं, तो इनके लिए, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि हास्य भी पढ़ती हैं, तो हास्य के लिए मैं एक पृष्ठभूमि में इनके लिए कुछ पंक्तियां रखना चाहूँगा। प्रसिद्ध सुयश कवि जिनका नाम होता है राजेंद्र राजा जी की पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा कि हाईकमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया।
पर भैया जी ने भी हार न मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्म पत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी देश की सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान लगा रहे हैं। मैंने कहा रे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। तो दीपाली जी आए एक बनारसी पान लेके आए। दीपाली जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को दीपाली जंजिया का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले पितृदिवस था और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे पिता तुल्य श्री अभिजीत गोखले जी की उपस्थिति है। तो मैं सबसे पहले चार पंक्तियां अभिजीत जी को समर्पित करना चाहती हूँ, पिता को समर्पित करना चाहती हूँ। कहती हूँ कि अपनी हर एक चिंता को पर्दे में रखते बाबू जी, अपनी हर एक चिंता को पर्दे में रखते बाबू जी, मैं जाती तो दफ्तर को भी घर सा करते बाबू जी, और रात यदि गलती पर डांटें सुबह बुलाकर लाड़ करें। रात यदि गलती पर डांटें सुबह बुलाकर लाड़ करें, माँ शीतल मट्ठे सी लगती मक्खन लगते बाबू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि प्रवीण जी ने भूमिका में कहा कि हास्य पढ़ती हूँ, तो आज हास्य की बात करूंगी, जिसकी सब जानते हैं कि राजनीति राजनीति मुझे लगता है आज के समय में राजनीति में न रहकर बाकी सब जगह रह गई है। घर में सास बहू और जेठ और देवरानी की राजनीति हो रही है, ऑफिसों में कर्मियों की और बॉस की राजनीति हो रही, तो हर जगह राजनीति है। तो राजनीति से ही चार पंक्तियां उठाकर आपके बीच रखती हूँ, देखिएगा। कहती हूँ, राजनीति राजनीति गाय चले जा रहे हैं, नीति फेल हो गई है, लुट गया राज जी, बात ही बना रहे हैं, बातों की ही खा रहे हैं, किया नहीं कभी कोई ढंग वाला काज जी, और रायता समेटने को सड़कों पे लेट रहे कि रायता समेटने को सड़कों पे लेट रहे, आती नहीं चमचों को कभी देखो लाज जी, और ईडीजी से चाहे बच्चे जाओ ये नमूने पर कि ईडीजी से चाहे बच्चे जाओ ये नमूने पर फंसवा ही देंगे तुम्हें, देखना जो विराज जी। बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में विध्वंस मचा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि भूले भटके से भी ये स्थिति यूपी में कर दी जाती तो जो उनका हश्र होता उस सबसे हम वाकिफ हैं, और मुझे गर्व है हमारे मुख्यमंत्री जी पर। मैं उन्हीं के स्वागत लेकर के एक गीत, एक हास्य गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ। जी स्वागत। बाबा बुलडोजर वाला, बाबा बुलडोजर वाला ऐसा जादू कर डाला, थर्राए सारे सुन के ना करते हैं जो भी काल काम। बाबा बुलडोजर वाला पत्थर फेंके जुम्मे को या फिर दंगे भड़का दे, बाबा बुलडोजर वाला हर एक की वाट लगा दे, अच्छे अच्छों के ढीले पेचों को टाइट करा दे, अच्छे अच्छों के ढीले पेचों को टाइट करा दे, तौबा तौबा चिल्लाए तौबा तौबा चिल्लाए, सूजे तन को सहलाए, मलते जाए हैं झंडुबा, करते हैं जो भी काल काम। बाबा बुलडोजर वाला कैसा जादू कर डाला, थर्राए सारे सुन के नाम, करते हैं जो भी काल काम। अभी तक आप सुन रहे थे देश के सुप्रसिद्ध हास्य कवि और ओज के कवियों को, और आज हमारे बीच में बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी जो कला साहित्य की हमारी संस्था है उसके आप पालक संगठन मंत्री महामंत्री अभिजीत दा, और सुप्रसिद्ध फिल्मकार अशोक शरण जी के साथ ये कविताओं की चौपाल चल रही है, सतमोला कवियों की चौपाल चल रही है और आगे भी चलती रहेगी सतमोला कवियों की चौपाल। अभी लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले जब तक आप हम लौट के आते हैं तब तक आप लेते रहिए खट्टी मीठी गोलियों का चटकारा सतमोला के साथ। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल,
बच्चे टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में। अब मैं जिसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो होती है देश की लाडली प्रियांशु सक्सेना। प्रियांशु सक्सेना एक विधि की आप विषय की आप लेक्चरर हैं नोएडा के एक संस्थान में, और मैं आपके लिए दो पंक्तियाँ मैं निवेदित करना चाहूँगा कि कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन दागा लोगों को सी लिया मैंने। क्या बात, क्या बात। सर्वप्रथम प्रवीण सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और मेरे बीच में जितने भी कविगण बैठे हुए हैं उन सभी को नमन, इस मंच को नमन। तो मेरी कविता छोटी सी है, कभी बिना छतरी के, कभी बिना छतरी के तेज बरसात में खड़े हुए हो, कभी बिना छतरी के तेज बरसात में खड़े हुए हो, क्या करते हो जब बेमुरव्वत तेज हवाओं के झोंके थपेड़े मुंह पर मारते हैं, जब बेमुरव्वत तेज हवाओं के थपेड़े मुंह पर पड़ते हैं, बारिश की मोटी मोटी बूंदें कटाक्ष जैसे सिर पर चोट करने लगती हैं, आसरा खोजते हो ना पिता वही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। होता यह है कि महिलाओं को कहा जाता है कि उन्हें तारीफ पसंद होती है, तो इसी एक वक्तव्य पे मैं अपनी एक कविता पेश करना चाहूँगी। जब तुम मुंह में मेरे बनाए व्यंजन भर के बोलते हो ना, अरे भाई वाह मजा आ गया, न जाने क्यों मेरी क्षुधा स्वतः शांत हो जाती है, न जाने क्यों मेरी क्षुधा स्वतः शांत हो जाती है। क्या करूं औरत हूं ना अपनी तारीफ पसंद है मुझे, क्या करूं औरत हूं ना अपनी तारीफ पसंद है मुझे, जैसे तुम्हें पसंद होते हैं अपने जॉब अप्रेजल। वाह, बहुत खूब। मैं क्योंकि मदरहुड में एंटर हुई हूं, तो मैंने जब आप उस फेज में पहुंचते हैं तो आपको पता होता है कि आप क्या कैसा फील कर रहे हैं, आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या क्या किया। तो मैंने एक कविता अपने बच्चे के लिए लिखी और माओं के लिए लिखी। बहुत खूब। माँ कहती थी माँ बनोगी तब जानोगी, माँ कहती थी माँ बनोगी तब जानोगी क्या होता है माँ बनना, रात और दिन एक करोगी तब जानोगी क्या होता है माँ बनना, उसके रोने पर जब तुम भी रो पड़ोगी तब जानोगी क्या होता है माँ बनना, उसकी एक मुस्कुराहट और सब थकान दूर करोगी तब जानोगी क्या होता है माँ बनना, खुली जुल्फों की जगह हर समय जूड़ा बनाओगी, सवरना सजना और निहारना आईना जब भूल जाओगी, खुद ना खाकर जब उसे खिलाओगी, खुद ना पहनकर जब उसे पहनाओगी तब समझ पाओगी क्या होता है माँ बनना, माँ बनोगी तब जानोगी क्या होता है माँ बनना, माँ बनोगी। बहुत अच्छे, ये थी प्रियांशु सक्सेना नोएडा से, प्रियांशु सक्सेना नोएडा से हमारे बीच में थे। और वही है ना, अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो गीयता की दृष्टि से बहुत सुमधुर कवि हैं, कवित्री हैं, और मेरठ के धरा से पधारी हैं, मैं उनको उसी पिच पे लाने के लिए दो गीयता की दृष्टि से दो चार पंक्तियां निवेदित करना चाहूँगा। इस धरा पे ये क्या हो गया, इस धरा पे ये क्या हो गया, प्यार दिल से जुदा हो गया, इस धरा पे ये क्या हो गया, हाथ बेचैनियां ही लगी, भुवनेश जी हाथ बेचैनियां ही लगी,
चैन जाने कहाँ है, वो चैन जाने कहाँ खो गया, इस धरा पे ये क्या हो गया। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बहन सुषमा सिंह। धन्यवाद प्रवीण भैया जी, सतमौला की पूरी टीम को मेरा प्रणाम। जो बेटियां होती हैं वो जब अपने बाबुल को छोड़कर अपने ससुराल चली जाती हैं तो दिन नहीं वो पल पल अपने बाबुल को याद करती हैं, तो क्योंकि वो कोई भी काम करती हैं उनके आशीर्वाद के बिना सब अधूरा है। इसलिए आज मैं अपनी एक गीत बाबुल, और जैसे कहते हैं ना स्त्री के बिना पुरुष अधूरा और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी, तो पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति अधूरे होते हैं, तो दोनों का वर्णन मैंने अपने इस गीत में किया है। बहुत अच्छा, मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, सुनेगा। आज मुझे वो माँ का आंचल याद बहुत आता है, आज मुझे वो माँ का आंचल याद बहुत आता है, कहाँ खो गया मेरा बाबुल याद बहुत आता है, याद बहुत आता है। और देखिए मैं अपने सभी चारों बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, तो या तो मेरे पापा ही बड़े थे या मैं ही बड़ी थी, तो उस बात को मैंने कैसे शब्दों में अपने उकेरा है। छोटी थी पर काज बड़े थे, मैं थी बड़ी या बापू बड़े थे, छोटी थी मैं छोटी थी पर काज बड़े थे, मैं थी बड़ी या बापू बड़े थे, झट भट झट पट काज करना याद बहुत आता है, कहाँ खो गया मेरा बाबुल याद बहुत आता है, आज मुझे वो माँ का आंचल याद बहुत आता है। छोटी सी थी लेकिन पल में बड़ी हो गई। झटपट उठती आंखें मलती, झाड़ू लेती हाथों में, झटपट उठती आंखें मलती, झाड़ू लेती हाथों में, नन्हा सा था भैया मेरा उसको उठाती बाहों में, और अंगीठी का वो जलाना याद बहुत आता है, कहाँ खो गया मेरा बाबुल याद बहुत आता है, आज मुझे वो माँ का आंचल याद बहुत आता है। ये थे हमारी बड़ी दीदी सुषमा सवेरा जी, पूरा तो गाने दो। और सुषमा सवेरा जी हमारे मेरठ क्षेत्र की, आप हमारे क्षेत्रीय सह निर्माता भी होती हैं। और अब मैं इनको जिनके बाद किसको नाम दूं, और मैं नाम मैं देना चाहता हूं एक हमारे वरिष्ठ साथी, बेशक वो अपने आप को नया एक पौधा समझते हों, लेकिन उनकी कविताओं का जो विषय वस्तु है, उन कविताओं की विषय वस्तु को देख करके मुझे दो पंक्तियां फिर रुबाई में मुझे याद आती है।
अपने बाबा की बातें करें, अपने बाबा की बातें करें, उनके पथ पे ही पग को धरे, अपने बाबा की बातें करें, प्रेम ही प्रेम दिल में बसे, प्रेम ही प्रेम दिल में बसे, सबको अपना बना कर चले, वाह वाह वाह, अपने बाबा की बातें करें। तो अपने बाबा की बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बड़े भाई हरकीरत सिंह ढेंगरा जी को, जा जोरदार ताली बजा। मैं प्रवीण आर्य जी का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज फिर मेरे को एक मौका दिया कि मैं अपनी लेखनी में से कुछ आप लोगों के समक्ष पेश कर सकूं, और मैं अपने साथ आए हुए कवियों कवियत्रियों को प्रणाम करता हूं, स्वागत, स्वागत, और सबसे इजाजत चाहता हूं अपना काव्य पाठ शुरू करने के लिए। स्वागत, पिता का कर्ज। पिता का पता हर किसी को नहीं होता, पिता का पता, सॉरी, पिता का पता हर किसी को नहीं होता, मन में उसके क्या है नहीं कोई पढ़ पाता, कब हंसा कब रोया वो, कब हंसा कब रोया वो, सबको दिखाया भी तो नहीं जाता, कभी कभी तो वो खुद को भी समझा नहीं पाता, कभी कभी तो वो खुद को भी समझा नहीं पाता, और कभी वो हद की सारी सीमाएं ही लांग जाता, संभालता है छुपाता है सब मुश्किलों को है निपटाता, संभालता है छुपाता है सब मुश्किलों को है निपटाता, जैसा वो दिखता है क्या पिता वैसा होता है, जैसा वो दिखता है क्या पिता वैसा ही होता है, मुस्कुराहट में उसकी छिपा है क्या, मुस्कुराहट में उसकी छुपा है क्या, खुशी या दर्द, बेमौसम की तकलीफों से होता है वो जर्द, बेमौसम की तकलीफों से होता है वो जर्द, बिन दिखाए किसी को निभाता है वो अपने सब फर्ज, बिन दिखाए किसी को निभाता है वो अपने सब फर्ज, क्या इसी को ही कहेंगे पिता का कर्ज, क्या इसी को कहेंगे पिता का कर्ज। बहुत अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी अगली कविता पढ़ता हूँ, वो थोड़ा हटके है, मैंने कहा लगा बहुत विषय गंभीर हो गया है तो मैंने थोड़ा हल्का फुल्का लूँ, तो देखा ही नहीं उसको। मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बताऊँगा कि एक लेडी की पिक्चर देखी थी हमने, वो समंदर की तरफ देख रही थी, मैंने पीछे से ही उनको देखा है, तो उसके ऊपर मेरे मन में क्या क्या बातें आई मैंने वो पेश की हैं। स्वागत। और कविता का शीर्षक है देखा ही नहीं उसको। देखा ही नहीं उसको, देखता भी कैसे, बंधे बाल सुंदर सी साड़ी, बंधे बाल सुंदर सी साड़ी, लहराता पल्लू और मैं अनाड़ी। क्या बात है, बंधे बाल सुंदर सी साड़ी, लहराता पल्लू और हम अनाड़ी, क्या बताऊं दोस्तों रुक रुक के ही चली अपने दिल की गाड़ी। सुंदर सलोनी मूरत सहमी डरी हुई थी, आंख बंद करके जो देखूं लागे मुझे वो परी सी। सुंदर सलोनी मूरत सहमी डरी हुई सी, आंख बंद करके जो देखूं लागे मुझे वो परी सी, बेचैनी इस कदर थी चिट्ठी पत्री भी ना हो पाती, ना देख पाने की कसक रही मेरे दर्द को बढ़ाती, ना देख पाने की कसक रही मेरे दर्द को बढ़ाती, ना एक बार मुड़के
उसने ही देखा मुझको, ना एक बार मुड़ के उसने ही देखा मुझको, अधूरी रही कहानी उस शाम उस पहर को, कसक रह गई दिल में, देखा ही नहीं उसको, देखा ही नहीं उसको, देखा ही नहीं उसको। देखिए मैंने हरकीरत जी आपको इसलिए ये इस रचना का चयन किया था कि आपको एक गंभीर कवि के रूप में ही पहचान न मिले, आपको आप एक श्रृंगार एक व्यंग के रूप में ले सकते हैं, हास्य के रूप में ले सकते हैं, ये आपके अंदर पूरी पूरी संभावना है अच्छे एक बढ़ते उभरते हुए कवि के लिए। और अब मैं जिसको आमंत्रित करना चाहता हूँ वह होती है हमारी प्रिय बहन सुषमा गर्ग, दिल्ली से हैं आप। सुषमा गर्ग नारी प्रधान की बातें करती हैं, कविता में संजीदगी है, संजीदगी की भरी एक कविता के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सुषमा गर्ग, जोरदार ताली के साथ। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल पर एक लंबे अंतराल के बाद आज मैं फिर से आप सबके समक्ष हूँ एक छोटे से भाव के साथ। कलम है साथी मेरी, कलम है साथी मेरी, दगा कभी ना करती है, कलम है साथी मेरी, दगा कभी ना करती है, भाव है जो मेरे मन के, भाव है जो मेरे मन के, कागज़ पर उन्हें उकेरती है। बहुत खूब। तो आज सबसे पहले मैं भगवान श्री राम को नमन करते हुए उनके बारे में कुछ सुनाती हूँ। स्वागत। जन्मे हैं हम उस मिट्टी में, जन्मे हैं हम उस मिट्टी में, भारत जिसका नाम, कहाँ गया वो आदर, कहाँ गया वो आदर, श्री राम जिनका नाम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जिनका नाम। जन्मानस पर छा रहा क्यों, जन्मानस पर छा रहा क्यों, रावण का नाम, कहाँ गया वो आदर्श, कहाँ गया वो आदर्श, श्री राम जिनका नाम। भाई भी ता लखन सरीखा, भाई ता लखन सरीखा, आँख मूंद संग निकल पड़ा, आँख मूंद संग निकल पड़ा, ना मिलेगा त्यागी ऐसा, ना मिलेगा त्यागी ऐसा, जिसे न सुध थी, जिसे न सुध थी, जिसे न सुध थी अपने आराम की, परवा थी तो बस सेवा करूँ मैं, परवा थी तो बस सेवा करूँ मैं, अपने भैया राम की, अपने भैया राम की। और दूजा भाई जिसने, भरत जी के बारे में बोलती हूँ, और दूजा भाई जिसने सहज मिले इस ताज को, और दूजा भाई जिसने सहज मिले इस ताज को, राज को भोग विलास को, राज को भोग विलास को, पल में यो ठुकरा दिया, पल में यो ठुकरा दिया, कपड़ा जैसे कोई पुराना, क्या बात, क्या बात, पुराना उसने यो उतार दिया। बन सन्यासी पहरेदारी, बन सन्यासी पहरेदारी, की अवध की शान की, की अवध की शान की, मिटने ना दी कभी भी उसने, मिटने ना दी कभी भी उसने, गरिमा भैया राम की। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी ताज की खातिर आज, इसी ताज की खातिर आज, भाई भाई का बैरी हुआ, इसी ताज की खातिर आज, भाई भाई का बैरी हुआ, फ्री का खाने के चक्कर में, फ्री का खाने के चक्कर में, देश का बंटा थार हुआ, देश का बंटा थार हुआ, भटक गया है युवा आज का, भटक गया है युवा आज का, और संस्कारों से भी हीन हुआ, भ्रष्टाचार ही है काम इनका, भ्रष्टाचार ही है काम इनका, और धर्म से हीन हुआ, और धर्म से हीन हुआ, भाई को क्या देगा मान, भाई को क्या देगा मान, पिता की अवज्ञा इनकी शान, पिता की अवज्ञा इनकी शान, भारत भूखा नहीं जरा,
भारत भूखा नहीं जरा, इनको भी सम्मान जरा, बस परायो का ही जपते नाम, बस परायो का ही जपते नाम, इसीलिए तो बहुत अच्छे। ये थी हमारी सुषमा गर्ग बहन। और अब मैं समापन की ओर अगर बढ़े तो मुझे बहुत एक अच्छे श्रेष्ठ अपने बालक का ध्यान आता है। उस बालक का नाम होता है प्रशांत अवस्थी, कानपुर से। और वो आज जो देश में एक अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, मुझे नंद किशोर गर्ग जी की एक पंक्ति कुछ मुझे विस्मृत नहीं हुई है, लेकिन उसके भाव मेरे पास हैं। उनका ये कहना था कि भाई उस चमन के कल्याण की क्या बात करें जिसके चमन के जो सुमन ही जासूस हों, मतलब जिस उपवन के फूल ही जासूसी करें, वो उपवन का भला क्या होगा। और ऐसे में मुझे अपने ही गीत की कुछ पंक्तियां मैं तहत में रखना चाहूँगा कि होली का एक रंग जो है ये भी होता है कि होली यानी होली, यानी कि एक किसान आंदोलन हुआ तो होली सो होली हो गया किसान आंदोलन। अब ये जो अग्निपथ पे जो ये आगजनी हो रही है, क्या ये सैनिक बनने के लायक भी हैं? जो देश की संपत्ति का नुकसान करें क्या वो सैनिक बनने के लायक हैं? ये सैनिक नहीं है, ये छुपे हुए भेड़िए हैं जो समय समय पर अपनी क्या नाम भूख को, पिशाचिक भूख को पूरी करने के लिए समाज में उतरते हैं। तो कि होली रे होली आज तक जो होली, आगे की कुछ सोच करो रे होली सो होली। नीला पीला क्या रंग डालूं, वाह नीला पीला, कभी किसान आंदोलन, कभी क्या नाम ज्ञानवापी के में महादेव के शिवलिंग को फुवारा बोला जाता है। नीला पीला क्या रंग डालूं, लाल रंग ही छाया, भूली बटकी तरुणाई को लाल रंग ही भाया, मांग सिंदूरी माँ की भमता, झेल रही है गोली, होली रे होली। बहुत अच्छा। शांत अवस्थी कानपुर। सतमोला कवियों के चौपाल में सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल मैं बचपन से देख रहा हूँ और इस कार्यक्रम को देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज अपने साहित्यिक मार्गदर्शक प्रवीण आर्या जी के माध्यम से इस चैनल तक पहुँच पाया हूँ, इस काव्य पाठ में शामिल हो पाया हूँ। मैं युवाओं को देख रहा हूँ कि आजकल आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है। मेरा ये मानना है कि जाति धर्म की बात अलग है, जहाँ राष्ट्र की बात आती है वहाँ पर हमको राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। और युवाओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो युवा इस विषय पर, राष्ट्र के विषय पर राष्ट्र को प्रथम मानते हुए मैं उन युवाओं को जागृत करना चाहता हूँ, युवाओं से आवाहन करना चाहता हूँ। अरे युवाओं आँखें खोलो, जागो कब तक सोओगे, अभी समय है समझ जाओ, नहीं तो एक दिन रोओ। अरे युवाओं आँखें खोलो, जागो कब तक सोओगे, अभी समय है संभल जाओ, नहीं तो एक दिन रोओगे। कर्मशील बन साथी जग में, आगे बढ़ उत्थान करो, त्यागो कुंभकर्ण की निद्रा, वरना कब तक सोओगे, त्यागो कुंभकर्ण की निद्रा, तुम भी कब तक सोओगे। अग्निपथ की बात करते हैं तो अग्निपथ क्या है? अग्निपथ एक माध्यम है ऐसे लोगों को पढ़ने के लिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए जिनके पास संसाधन नहीं है। अग्निपथ एक माध्यम है राष्ट्र सेवा सीखने के लिए। इस अग्निपथ को मैंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, क्योंकि अगर बात करते हैं राष्ट्र की तो राष्ट्र के नाम पर जो लोग दंगे कर रहे हैं, जो लोग फसाद कर रहे हैं, वो कभी भी राष्ट्र के प्रहरी नहीं हो सकते हैं। वो सिर्फ राष्ट्र के प्रहरियों के नाम पर लड़ाने वाले लोग हो सकते हैं। और मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि अग्निपथ क्या है। अग्निपथ पाठ है रामकृष्ण और तथागत का। अग्निपथ पाठ है रामकृष्ण और तथागत का। अग्निपथ पाठ है जीवन में जप तप व्रत का। अग्निपथ पाठ है तन मन से त्याग तपस्या का। अग्निपथ पाठ है जन जन को देश अनुराग का। बहुत खूब। अग्निपथ पाठ है मानव जीवन अशासन का। अग्निपथ पाठ है राष्ट्र समर्पण शासन का। अग्निपथ पाठ है वीर शहीदों के तर्पण का। अग्निपथ पाठ है साहस शौर्य और समर्पण का। ऐसे करके हम
पत्थरबाजी करके आग लगा के राष्ट्र को नहीं राष्ट्र के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और अंतिम बंद से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, अग्निपथ काल है, अग्निपथ पाठ है, कठिन काल में धीरज मन का। आज आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो आप धैर्यता से इस चीज को समझिए। निश्चित मैं मानता हूं कि भविष्य आपका सुरक्षित है। अग्निपथ पाठ है, कठिन काल में धीरज मन का, अग्निपथ पाठ है, सूर्य तपन में शीतल मन का। क्या बात, क्या बात, तो अग्निपथ शीतलता देगा। और अंतिम लाइन से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, चौड़ी छाती वाले वीरों सच्चे मन से करो शपथ, चौड़ी छाती वाले वीरों सच्चे मन से करो शपथ, राष्ट्र नाम को चार साल को मैं चलूंगा अग्निपथ। बहुत 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 माता बहुत बहुत। ये एपिसोड का समापन बड़े ही अच्छे उद्देश्य और संदेश के साथ हुआ। ये था सतमौला कवियों की चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आज एक वीडियो सेगमेंट के रूप में हमारे बीच में बहुत ही लाडली बिटिया हमारे बीच में जुड़ने जा रही है, और मैं उस बिटिया के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूँगा, वो भी रुबाई के रूप में, कि वो किस प्रकार से पिता को याद करती है और पिता क्या संदेश देना चाहता है। लो चलन बदचलन हो गया, खत्म घर का अमन हो गया, प्यार ममता भरा आंगना आज संसद भवन हो गया। आज बिटिया जिस घर में बिटिया नहीं होती, जिसमें जिस आंगन में रुनझुन रुनझुन की आवाज नहीं होती।
संस्कार भारती के ऐसे हमारे पालक, हमारे अखिल भारतीय संगठन महामंत्री दादा अभिजीत गोखले जी हमारे बीच में हैं, जहां जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। नमस्कार। अभिजीत दा का केंद्र दिल्ली है, और जब दिल्ली केंद्र है तो केंद्र से तात्पर्य होता है कि एक स्थाई नहीं अस्थाई जो निवास है वो दिल्ली है, क्योंकि जो संघ का जो एक प्रचारक जीवन होता है वो एक खानाबदोशी वाला जीवन होता है, वो कहीं ठहर के नहीं रहते। जब महाराणा प्रताप ने जब ये संघर्ष किया अकबर के समय, उस हिसाब से वो कभी भी खानाबदोश एक जगह रुक के नहीं रुकते, वो कहीं भी नहीं टिकेंगे। साथ ही जो हमारी परंपरा है, प्रचारकीय जीवन है, वो देश भर में एक जगह नहीं रुकते, चलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ देश भर में भ्रमण करते हैं, चाहे एक दिन चाहे महीने महीने दिन, कभी एक एक साल भी भ्रम होता है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। ऐसे कर्मयोगी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो केवल कला और साहित्य नहीं फिल्म क्षेत्र को भी संवारने में लगे हुए हैं। अभिजीत दा जी का मैं सतमौला कवियों की चौपाल की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। और उनसे आग्रह करता हूँ कि सतमौला कवियों की चौपाल के लिए एक शुभेच्छा हमें आशीर्वचन के रूप में दें, और जिससे कि सतमौला कवियों की चौपाल अपने सुपथ पर निरंतर चलती रहे। अभिजीत दा जी, धन्यवाद। सतमौला कवियों की चौपाल में उपस्थित सभी दर्शक, श्रोता, कवि, सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम निरंतर चले आ रहे, अभी प्रवीण जी ने जैसे बताया 15 अगस्त 2004 से, मतलब लगभग 18 साल से चले आ रहे इस आयोजन में मुझे यहाँ बुलाया, यह अवसर दिया, और राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति की कविताएं सुनने का मौका मिला, इसलिए सर्वप्रथम मैं प्रवीण जी का और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं का, व्यक्तियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपनी भारतीय कला दृष्टि में ऐसे माना गया है कि कला ही जीवन है, और हम सभी जानते हैं कि जीवन एक कविता है। क्या बात। तो जीवन में आनंद है, जीवन में दुख है, जीवन में स्वर है, जीवन में लयबद्धता है, जीवन में भाव है, जीवन में शिक्षा है, जीवन में संस्कार है। हम सब जानते हैं कि कविताओं में भी ये सारे भाव, ये सारी भावनाएं व्यक्त होती है, प्रकट होती है। प्रत्येक कवि इन भावों को अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार हम सभी के सामने लाते हैं। व्यक्ति का जैसे जीवन है वैसे ही समाज का भी जीवन है, और समाज जीवन में भी या समाज जीवन में भी इन भावों के आधार पर विकसित होता है। तो समाज जीवन के इन विभिन्न पक्षों को, मतलब समाज जीवन का आनंद बना रहे, समाज जीवन से दुख हटे, समाज जीवन में का स्वर विकसित होता रहे, समाज जीवन लयबद्ध रहे, इस सब के लिए कवियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस आयोजन से, निरंतर 18 वर्ष से इस योगदान में सारे कवि, मुझे संख्या पता नहीं लेकिन 10,000 से ज़्यादा कवि इससे इसमें सम्मिलित हुए हैं, तो ये आयोजन चल रहा है ऐसा मेरा मानना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए एक केवल अपेक्षा सभी से करना चाहूँगा कि समाज जीवन में या व्यक्ति जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है, और हम सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति का आविष्कार हो चुका है, और नई शिक्षा नीति में कला के आधार पर बच्चों को पढ़ाना, इस प्रकार की पद्धति विकसित होने का विचार उस शिक्षा नीति में हुआ है। मुझे लगता है इस सब में कविताओं का बहुत बड़ा, बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो जिसको नर्सरी राइम्स कहते हैं, वहाँ से लेकर प्रत्येक विषय कविताओं के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाए, कहानियों को, भारतीय कहानियों को कविताओं के माध्यम से बच्चों के सामने, युवाओं के सामने कैसे लाया जाए, मुझे लगता है अगर सारे कवि इस दिशा में भी प्रयत्न करें आगामी कुछ
वर्षों में, तो शिक्षा नीति के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी। ऐसी सभी कवियों से अपेक्षा करता हुआ इस मंच के माध्यम से मैं फिर से सभी को धन्यवाद देते हुए मेरी छोटी सी बात पूर्ण करता हूँ। इस उपक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय अभिजीत दाह ने हमें अपनी शुभेच्छा दी सतमौला कवियों की चौपाल में। मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ अभिजीत दाह, अपने व्यस्त समय में आपने हमारे लिए समय निकाला। आज अब जो मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम के लिए विशेष, जिनका मैं आभार इसलिए व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद मेरे साथ इस कार्यक्रम का भार 18 वर्ष से आप अपने कंधे पे आपने चढ़ा रखा है, और ये सामूहिकता के भाव, आप एक एंगल साधना टीवी है, राकेश गुप्ता जी हैं, एक एंगल श्री अनिल कुमार मित्तल जी हैं, सतमौला है, और एक एंगल कवियों की चौपाल है। आज अगर क्या नाम हम सोचें सतमौला अलग चल सकता है कार्यक्रम कविता के साहित्य में, या कवियों की चौपाल अलग चल सकता है, तो ये असंभव है बिल्कुल। और ये एक ऐसा एक ईश्वर प्रदत्त गठबंधन हो चुका है तीनों का, सतमौला कवियों चौपाल, चाहे भैसव दशहरे पे इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, कम से कम 10-15 लाख का बजट का कार्यक्रम अकेले आप रामला में, बालाजी रामला में आप करते आ रहे हैं, कोरोना काल के बीच में बेशक ना हुआ हो तो वो, सतमौला कवियों की चौपाल का कवि सम्मेलन हो, और चाहे 15 अगस्त 2004 के प्रारंभ के 4 एपिसोड हों, उसकी ये अनवरत यात्रा किस प्रकार चल रही है, मैं उसके लिए श्री अनिल मित्तल जी हमारे इस कार्यक्रम के अगर मैं कहूँ तो अभिभावक हैं, अभिभावक के नाते मैं श्री अनिल मित्तल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वह अपना आशीर्वाद सतमौला कवियों की चौपाल के नवांकुरों को दें। श्री अनिल मित्तल जी। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमौला ग्रुप, सतमौला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी है कि सतमौला कवियों के चौपाल में दिल्ली सभा विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उनका मेरे को सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मुझे बड़ा खुशी है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी वो ऐसे हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे पे। और मुझे एक विश्वास नहीं होता, एक सपने की तरह लगता है कि 18 साल पहले जब प्रवीण जी मेरे पर आए कि मैं किसको कवियों का एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा यार ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए ये अपना टाइम पास करना चाहते हैं, तो मैंने इनको हाँ कर दी, मैंने कहा चलिए आप करिए। और हम लोगों ने साधना टीवी पे इसका सफ़र शुरू करा, और आज 18 साल हो गए लगातार करते हुए, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है इतने जुड़कर इनके साथ, सदियों के सतमौला कवियों के चौपाल में मेरे को मुझे मौका मिला इसके थ्रू। आज कवियों की जो कवि वर्ग है हमारा, ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है कि ये अगर हम इसको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये लुप्त होता जाएगा। तो आज ये संस्कृति को, उसको बचाने के लिए अगर सतमौला परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बड़े एक सौभाग्य की बात है, और मैं हमेशा इसके साथ जुड़ा रहूँगा। और प्रवीण जी और मेरा साथ जैसे चल रहा है, मैं कहूँगा जिंदगी भर ये प्रोग्राम जब तक भी चलाएं वो चलता रहे, और सतमौला परिवार इसमें हमेशा जुड़ा रहेगा। धन्यवाद। सतमौला कवियों की चौपाल में अब हम अपने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, इन सब लोगों से हम रूबरू होते हैं, परिचय करते हैं, उनसे शुभेच्छा लेते हैं, संदेश प्राप्त करते हैं। और इस कार्यक्रम का ये एक महत्वपूर्ण हमारा अंश होता है सतमौला कवियों की चौपाल में, राजनेताओं, एक सेलिब्रिटीज़ का, चाहे किसी प्रकार का, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो साहित्यकार हो, लेकिन चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो किसी भी चीज, चाहे वो डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कविता को समझने का और कविता के संदेश को ग्रहण करने के जिसके अंदर क्षमता हो, और जो जिसका एक संबंध हमारे साहित्य के साथ स्थापित हो जाता है, वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के नाते आते हैं। अभी आपने डॉक्टर भुवनेश सिंगल जी के निर्देशन में, संचालन में जो कार्यक्रम देखा, उसमें RBI के DG साहब भी बैठे हुए थे। मैं नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा, आप हमारे कार्यक्रम में कई अनेक न्यायमूर्ति भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, उस समय वो न्यायमूर्ति थे, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, ऐसे 10-12 लोग आ चुके हैं। उस समय एक प्रोटोकॉल के नाते हम उनका नाम नहीं ले सकते थे,
अतिथि नहीं लेंगे, लेकिन ये कार्यक्रम की अनवरत यात्रा यही है कि यहाँ पर एक विशिष्टता विशिष्ट लिया ये कार्यक्रम है, इसमें हर वर्ग का व्यक्ति सम्मिलित होता है। सतमोला कवियों की चौपाल में आप भी यदि सम्मिलित होना चाहते हैं इस हमारी अनूठी अनवरत चलने वाली काव्य यात्रा में, तो आप हमारे आजीवन सदस्य बन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप नामांकुर हैं तो भी, नामांकुर नहीं भी हैं तो भी, और आपका कविता का आपके अंदर कविता का रस आपके कान में घुल चुका और कविता को आप समझते हैं, संवेदनाओं को समझते हैं, तो आप अपने वीडियो सेगमेंट के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि क्रिकेटर से ज़्यादा अच्छा क्रिकेट की बारीकियां जानने वाला वो जो क्रिकेट पे कमेंट्री सुन रहा है, वो सुनता है और वो कैच जब छुट जाता है तो वो किस प्रकार से अपने भाव व्यक्त करता है, चिल्ला करके कितना क्षोभ व्यक्त करता है, बताता ऐसे नहीं ऐसे कैच करता, तो यानी कि क्रिकेटर से ज़्यादा अच्छी समझ कमेंट्री सुनने वाले की होती है। और यदि क्या नाम हम अगर ऐसे प्रबुद्ध श्रोताओं को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो कविता और कवि सम्मेलन दोनों समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में, आज हम सदस्य बने आप हमारे साथ जुड़ें। हमें आज 18 वर्ष के पूरे करते करते हम 19वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9731182183 पर आप हमसे संपर्क करें। आपको जानकर हर्ष होगा कि हमारा ये टीवी कार्यक्रम साधना चैनल के अनशेड्यूल्ड टेलीकास्ट के साथ हर खबर टीवी चैनल जो अपना साधना चैनल का ही ग्रुप चैनल है उस पर ये आपको प्रत्येक रात्रि 11 बजे प्रसारित होता है, जिसको आप टाटा प्ले पर, आप डैन पर, सिटी पर, हथवे पर, फास्ट वे पर आप देख सकते हैं, उनके अलग अलग नंबर हैं उस पर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले रविवार अनेक ज्येष्ठ और नए श्रेष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवि चौपाल में। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।